मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट टू का रिजल्ट प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका वेबसाइट नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है, रिजल्ट देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कैसे आपको चेक करना है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बबलू स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मान लिया टेलीकॉम पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट मैं ओपन किया हूँ तो वेबसाइट एंड ऑल सर्विस सस्पेंडेड, द वेबसाइट इज सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन पेमेंट और रिवर्टल फी फ्रॉम द नवंबर 2020। यानी कि दोस्तों जो 15 से 17 तारीख तक स्पॉट एडमिशन का 2021 के लिए लास्ट चांस दिया गया है, उसी दिन से अगर पेमेंट आप कर रहे होंगे तो पेमेंट नहीं हो रहा है। ये दोस्तों क्यों हो रहे हैं, दोस्तों मुंगेर यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो लागू किए गए हैं, जो वेबसाइट है सो किसी भाड़े पर चलाते हैं, वो भाड़े वाले का पेमेंट सही रूप से नहीं करते हैं, तो वो इस तरह से मेंटेन्स इस वेबसाइट को मेंटेन्स नहीं करते हैं, और जब तक के लिए वो चार्ज नहीं देते हैं तब तक के लिए ये वेबसाइट को ओपन नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है तो आप नहीं देख सकते हैं, जब तक के लिए इसका मेंटेन्स नहीं होगी तब तक के लिए आप रिजल्ट शो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला कदम तक देखते हैं कि अगर आप पार्ट टू का एग्ज़ाम दे दिए हैं और किसी कारणवश आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम छूट गई है और नहीं दे पाए, तो उसका भी डेट आया है, लेकिन उसमें से एक और सेमेस्टर पार्ट टू का भी डेट आया है प्रैक्टिकल के लिए, तो चलिए वो जान लेते हैं कब कब दिया गया है। ये मैं जानने के लिए दोस्तों मैं टेलीग्राम को ओपन करता हूँ, और टेलीग्राम को जैसे आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो यहाँ से आपको आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ टेलीग्राम में जो लिंक दिए हुए हैं वो निश्चित रूप से, सॉरी दोस्तों ये रोटेट हो गए, इस तरह से आपको आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि RDN DJ कॉलेज मुंगेर आज 26 को दिया हुआ है, लेकिन सेमेस्टर ये टू का है। यहाँ नोटिस आप देख सकते हैं कि BCA सेमेस्टर के लिए ये दिया हुआ है, वो सेशन 19-22 के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको कॉलेज का मिल जाता है और ये मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 23 से 25 तक, यानी कि यहाँ जो आप डेट देख सकते हैं कि 23-3 को दिया गया है, 23 से 25 तक वहाँ जो यूनिवर्सिटी में पंजाब नेशनल बैंक है उसमें से आपका अकाउंट में उसका पे करना होगा 200 रुपये, उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए अनुमति दे दिए जाएंगे। और अगला देखते हैं दोस्तों, यही नियम हुआ है, अगला देखते हैं कि ये जो दिया गया है पार्ट टू के लिए ये क्या क्या है, कि यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपको मिलता है RDN DJ कॉलेज और BRBN कॉलेज मुंगेर, दो का सेंटर बनाया गया, RDN BRBN कॉलेज मुंगेर दोनों को बनाया गया है। RDN DJ कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, तो उसमें से अगर आप केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी और जियोग्राफी, होम साइंस के लिए BRBN कॉलेज मुंगेर में ही बनाया गया है, होम साइंस और साइकोलॉजी और म्यूजिक का इसमें बनाया गया है, तो इसमें भी वही चार्ज आपको देना होगा। कि दोस्तों अगर आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में पंजाब नेशनल बैंक की जो, उसमें से आपको 200 रुपये डिपॉजिट करना होगा करने होंगे, ये यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 200 रुपये आपको पे करना होगा, और ये मैं करके दे भी चुका हूँ। इस तरह से आपको पूरी तरह से नोटिस जानकारी मिल गए। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है मुंगेर यूनिवर्सिटी से पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।